हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कनाडा टूरिस्ट वीजा के बारे में 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया था, तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो नया वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मैं हर वीक में ये वीडियो बनाता हूँ प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर, ताकि आपको इस चीज़ का पता लग सके कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा उसके लिए कितने दिन लग रहे हैं, वो कितने दिनों में आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो रही है। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। इस पर मैंने ऑलरेडी canada.ca जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है वो उसका चेक प्रोसेसिंग टाइम्स का जो वेब पेज है वो खोला हुआ है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ कि टेम्प्रेरी रेजिडेंस वीज़ा है, जो विजिटिंग स्टडिंग और वर्किंग वीज़ा भी कहते हैं वो, मैंने विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा और अपना होम कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया हुआ। तो उसका जो आज विजिटर वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है आउटसाइड कनाडा फ्रॉम इंडिया 160 डेज आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये अपडेट हुआ है August 2, 2022 को, 2 अगस्त 2022 को ये टाइम अपडेट हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम है पिछले हफ्ते से 2 दिन कम हो गया, तो ये खुशी की बात है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हुआ है 2 दिन। तो इससे पता लग रहा है कि जो एम्बेसी है वो फुल स्पीड पे काम कर रही है, जो उन्होंने अपना वादा किया कि वो अब बैकलॉग भी कम करेंगे और प्रोसेसिंग टाइम भी कम करेंगे, उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से इस काम में लगे हुए हैं। तो इसमें ये बताना चाहता हूँ कि 160 डेज है जो प्रोसेसिंग टाइम है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आज ये फाइल लगाएंगे तो आपके 160 डेज ही लगेंगे या 160 दिन ही लगेंगे, वो कम भी लग सकते हैं, आपके केस टू केस ये वेरी करता है। तो अगर कईयों का जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते में भी आ रहा है, 1 महीने में भी आ रहा है, 30 दिन में भी आ रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फाइल को है वो 160 दिन ही लगेंगे। तो इसके बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से घबराइए नहीं, आप अपना जो है वीज़ा की फाइल आप अपनी लगाइए और उसको प्रोसेस करवाइए, हो सकता है आपका वीज़ा बहुत जल्दी लग के आ जाए। और ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये धीरे धीरे कम होगा और जैसे प्री कोविड लेवल था उसी पे ये फिर वापस आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वर्क परमिट में कितना टाइम लग रहा है। तो अब मैं फिर दोबारा इसी पेज पे मैंने सेलेक्ट कर लिया वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, हमारा होम कंट्री है इंडिया। इसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो 45 वीक्स आ रहा है। तो ये पिछले हफ्ते भी 45 वीक्स ही था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जिन लोगों ने वर्क परमिट की फाइल लगाई हुई है या ओपन वर्क परमिट की फाइल लगाई हुई है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की भी फाइल लगाई है, तो उनके लिए कोई भी चेंज नहीं आया। सिर्फ जो इस हफ्ते थोड़ी जो खुशी की बात है वो प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ विजिटर वीज़ा या जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, उसके लिए कम हो गए हैं 2 दिन। तो इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे ये भी कम होगा और प्री कोविड लेवल पे बहुत जल्द आ जाएगा। पर इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जो कैनेडा एम्बेसी है वो जो एसेंशियल ऑक्यूपेशन था उनकी एप्लीकेशन को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रोसेस कर रहा है, और जो नॉन एसेंशियल ऑक्यूपेशन है उनके उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको 45 वीक से भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 45 वीक ही लगेंगे, उससे ज़्यादा लगेंगे, उससे कम भी लग सकते हैं, पर उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो नॉन एसेंशियल ऑक्यूपेशन को ज़्यादा टाइम लगेगा उनका वर्क वीज़ा प्रोसेस होने में इसके मुकाबले के, कि एसेंशियल ऑक्यूपेशन में अगर आपके काम की कैटेगरी फॉल करती है तो आपको कम टाइम लगेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा। तो ये इस पेज पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन, तो इसमें भी काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो था ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो टाइम आ रहा था 161 डेज आ रहा था, तो और पेपर एप्लीकेशन के लिए 141 डेज आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो इनसाइड कनाडा से जो वर्क परमिट में बदलाव आया उसमें 3 दिन ये बढ़ गया टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, 161 डेज की जगह 164 डेज हो गया, और पेपर एप्लीकेशन के लिए तो काफ़ी उछाल आया, उसमें 141 डेज था पिछले हफ्ते, अब 148 डेज हो गया, तो 1 हफ्ते का फर्क पड़ गया, 7 दिन का, तो जो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लोग अपनी वर्क परमिट की फ़ाइल प्रोसेस करवा रहे हैं कैनेडा से भी, क्योंकि जो लोग यहाँ से विजिटर वीज़ा पे जाते हैं उनको वो भी ज़्यादातर वहाँ पे काम की तलाश में ही जाते हैं, वहाँ पे उनको अपनी जो है विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन उसको वो कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे हैं अगर उनका
वर्क परमिट भी एक्सपायर हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो लगाते हैं। इस जो प्रोसेसिंग टाइम में दोनों एप्लीकेशंस का टाइम आता है, जो लोग एक्सटेंड कराना चाहते हैं वीजा उनका भी आता है इसमें, और जो लोग नया फ्रेश वर्क परमिट अप्लाई करते हैं इनसाइड कनाडा से उसका भी ये टाइम यही शो होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड है वर्क परमिट के लिए। जो लोग यहाँ से जाते हैं और उनको वर्क परमिट ग्रांट हो रहा है आजकल, जैसे कि उनकी टेम्पररी पॉलिसी चल रही है जो नेक्स्ट ईयर फरवरी 2023 के एंड तक चलेगी, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप अभी कनाडा का टूरिस्ट वीजा लगवाते हैं और वहां जाके इसको अपने वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो हम फिर वापस चलते हैं, जो प्रोसेसिंग टाइम है जो विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से जो है, जैसे हम इस पेज पे देख सकते हैं, जैसे हम इस पेज से देख सकते हैं कि ये 160 डेज है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो अपनी आइटनरी है जो हमने होटल बुकिंग करनी है, वो इन दिनों को देख के हमने करनी है कि इतने दिन लगेंगे हमारी फाइल को प्रोसेसिंग के लिए, उस उतना टाइम आप अपने वीजा ऑफिसर को दीजिए ताकि वो आपकी फाइल इजीली प्रोसेस कर सके। अगर आप उनको कम टाइम देंगे तो वो जो है जल्दबाजी में आपकी फाइल प्रोसेस नहीं होगी, और क्या होगा कि आपकी फाइल जैसे लाइन में लगी होगी, जब तक वो वीजा ऑफिसर के पास पहुंचेगी तब तक आपकी जो है आइटनरी है या आइटनरी और आपकी लीव लेटर है वो एक्सपायर हो चुकी होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, आप उस हिसाब से अपनी लीव लेटर लीजिए और अपनी आइटनरी बनाइए ताकि आपको इस तरह की दिक्कत ना आए। ये ना हो कि आपकी फाइल लगी है तो उसमें ट्रेवल डेट निकल जाए आपके, और साथ में आपकी लीव लेटर का भी जो आपने ली है उसका भी फायदा ना हो। और कई लोग अपनी स्पॉन्सरशिप लगाते हैं इसमें, और उन दिनों के बीच में अगर लगा दें कि उसमें आपका वीजा ही प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि 160 दिन जो दिखा रहा है उस हिसाब से अपनी स्पॉन्सरशिप लेटर मंगाइए और लगाइए। क्या होता है कि अगर आप जल्दबाजी में लगाएंगे तो आपकी स्पॉन्सरशिप लेटर जो मंगाई हुई है आपने इतनी मेहनत से और आपने जो अपनी प्रोफाइल बनाई है इतनी मेहनत से, वो सारी वेस्ट चले जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, उसी हिसाब से अपनी आप फाइल प्रोसेस करवाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जो इस वीडियो के ऊपर जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फोन करके मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या कोई डाउट है उसके बारे में पूछना चाहते हैं, उसके बारे में आप कमेंट लिख सकते हैं, उसमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप ये वो जो मोबाइल नंबर आ रहा है इस पे फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके ऑफिस में मेरे से मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तब भी आप मेरे साथ ये फ़ोन नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे को मिल सकते हैं और अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी टफ फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं, और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ,
आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके आप उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ओके बाय।